दोस्तों आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड जो कि हो गई है ऐसा कह सकते हैं। और दोस्तों रूमर्स की माने तो हार्दिक पांड्या जो कि मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे आईपीएल 2024 में, दोस्तों उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि यह ट्रेड क्यों हुआ, जो कि गुजरात टाइटंस की ओर से साल 2023 में आईपीएल में वो कप्तानी कर रहे थे। हार्दिक पांड्या के जो कुछ निर्णय थे वो फ्रेंचाइजी को पसंद नहीं आए थे, उसकी वजह से उनकी वहां पर कहां सुनी हो गई थी। और आईपीएल 2023 के बाद से ही यह चर्चा हो रही थी कि वो आईपीएल 2023 के बाद वो आईपीएल 2024 में कोई और टीम से वो खेल सकते हैं, ऐसा बातें चल रही थी। लेकिन वो बातें अब पता चल रही है। तो दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि आईपीएल 2023 के एंड के बाद वहां पर ही बातें शुरू हो गई थी कि वो हार्दिक पांड्या जो कि गुजरात टाइटंस की ओर से खेलना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मुंबई इंडियंस ने क्या किया, इस झगड़े का उन्होंने फायदा उठाया और हार्दिक पांड्या को कहा कि आप हमारी टीम में आ जाइए, हम भविष्य में आपको कप्तान बनाएंगे। और उसकी वजह से ही यह कंफर्म न्यूज है कि हार्दिक पांड्या जो कि इस बार आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलने वाले हैं। और दोस्तों यह 101% यह न्यूज तो कंफर्म ही है। और दोस्तों पहले यह खबर आ रही थी कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच में ट्रेड हो सकता है, जहां पर गुजरात टाइटंस की टीम में जो कि रोहित शर्मा जा सकते हैं वहां के कप्तान बन सकते हैं और हार्दिक पांड्या जो कि मुंबई इंडियंस के कप्तान बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया और हार्दिक पांड्या जो कि इस बार मुंबई इंडियंस में ट्रेड हो गए हैं 15 करोड़ रुपए में, यह कंफर्म न्यूज है। और दोस्तों जो रोहित शर्मा है वो मुंबई इंडियंस की ओर से ही खेलने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि मुंबई इंडियंस में दो दो कप्तान अब आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने पहले ही बता दिया होगा कि रोहित शर्मा जब तक आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलेंगे तब वो कप्तानी करेंगे और इसके बाद आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो कप्तानी के लिए। और दोस्तों यह जो कि पहले है उन्होंने साफ कर दिया होगा मुंबई इंडियंस ने, मुझे ऐसा लगता है रोहित शर्मा एक लीजेंड खिलाड़ी है आईपीएल में और वो मुंबई इंडियंस की ओर से कप्तानी ही करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। आगे क्या पता उनको ही कप्तानी दे दी जाए, और दोस्तों इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अगर हार्दिक पांड्या अगर गुजरात से नहीं खेलते हैं तो गुजरात का कप्तान कौन होगा। तो दोस्तों इसमें दो नाम जो आगे चल रहे हैं और वो है केन विलियमसन और शुभमन गिल। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि केन विलियमसन को गुजरात टाइटंस की कप्तानी सौंपी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों जो शुभमन गिल है उनको अभी टाइम है कप्तानी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है शुभमन गिल को वाइस कप्तान बनाया जाए और केन विलियमसन जिनको कप्तानी सौंपी जा सकती है। और दोस्तों मुंबई इंडियंस की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया कि मुंबई इंडियंस में जब तक रोहित शर्मा खेलने वाले हैं तब तक वही कप्तान रहने वाले हैं। और दोस्तों इसके बाद अगर रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेते हैं आईपीएल से तो तब हार्दिक पांड्या को वहां पर कप्तान बनाया जा सकता है, इसलिए हार्दिक पांड्या को भविष्य के कप्तान के तौर पर उनको लिया गया है, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि पर्स वैल्यू के बारे में। तो दोस्तों आईपीएल में अभी आईपीएल का जो मिनी ऑक्शन होने वाला है उसमें सभी टीमों को 100 करोड़, पहले 95 करोड़ थे पर्स वैल्यू में, लेकिन अब 100 करोड़ रुपए यानी 5 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस के पास इतने पैसे नहीं है कि हार्दिक पांड्या को दिए जा सके, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस की मिनी ऑक्शन से पहले वो कई बड़े खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है, जिसमें सबसे पहला नाम है वो है जोफ्रा आर्चर। दोस्तों माना कि मुंबई इंडियंस ने जोफ्रा आर्चर के पीछे काफी इन्वेस्ट किया है, लेकिन अगर हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी मिल जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको रिलीज किया जा सकता है, इसलिए इस बार जो कि जोफ्रा आर्चर और कैमरन ग्रीन इन दो खिलाड़ियों को वहां पर रिलीज कर सकती है टीम। क्योंकि दोस्तों कैमरन ग्रीन जो कि काफी अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या मिल रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों खिलाड़ियों को रिलीज करेगी और जो पैसे है उनको वहां पर कवर अप कर सकती है, इसलिए इन दो खिलाड़ियों पर गाज गिर सकती है मुंबई इंडियंस की ओर से। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि मुंबई इंडियंस की ओर से हार्दिक पांड्या खेलने वाले हैं या नहीं, क्योंकि दोस्तों यह तो कंफर्म न्यूज है कि हार्दिक पांड्या जो कि आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलने वाले हैं। लेकिन कई बड़ी बड़ी वेबसाइट है जिन्होंने यह जो कि दावा किया है कि इस बार हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की ओर से खेलने वाले हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।